हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। बताओ सर, बताओ सर बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जियो प्लस से आप रिचार्ज कर सकते हैं किसी भी फ़ोन में, चाहे वो जियो का फ़ोन हो या स्मार्टफोन हो। तो सबसे पहले आप उसको लॉग इन कर लें जियो प्लस को एप्लीकेशन को। यहाँ पर आपको आईडी और पासवर्ड देना होगा, लॉग इन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, जैसे इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जैसे यहाँ पे सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा, इसका मतलब ये कंप्लीट है, जो डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। देखिए लिखा आ चुका RPS सक्सेसफुली। फिर उसके बाद तीन लाइन पे जाना है और यहाँ पे जियो टॉपअप पे रिचार्ज वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। मैं फिर दोबारा से एक बार दर्शा देता हूँ, आपको पाँचवें नंबर का जियो टॉपअप पे ओके करना है रिचार्ज वाले पे। उसके बाद जियो नंबर डालना है आपको, ठीक है, और दोबारा से कंफर्म करना है। और बीच में आपको यहाँ पे रिचार्ज वाले के ऊपर टिक कर देना है और व्यू ब्राउजर पे ओके कर देना है। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े प्लान हैं और आपको यहाँ पे छोटे से छोटा रिचार्ज है जो वो करना होगा 91 का। तो 91 का करेंगे तो इससे छोटे फ़ोन की जो सुविधाएं सभी इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे ओके कर देते हैं। और ओके करने के बाद में यहाँ पे अमाउंट वाला ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे जियो मनी कोड, जियो मनी कार्ड और यहाँ पे कैश, तो कैश के ऊपर हम ओके करेंगे। सिलेक्ट अमाउंट हो गया, यहाँ पर डन करेंगे। डन हो जाएगा थोड़ी देर में ही, नेटवर्क स्लो इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग सकता है। रिचार्ज है सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पे मैसेज आ चुका है जियो पार्टनर की तरफ से भी और जियो एजेंट की तरफ से भी। तो यहाँ पे डन कर देते हैं और हम दोबारा जाते हैं और यहाँ पे हम टॉपअप पे जाते हैं और यहाँ पे हमारा दोबारा से बैलेंस दिख जाएगा, जबकि पहले 400 कुछ रुपये था, अब 360 रुपये बचा है। तो इस तरीके से आप किसी भी जियो सिम में रिचार्ज कर सकते हो जियो प्लस एप्लीकेशन की मदद से, जिसमें ऑलरेडी वॉलेट में पैसे ऐड कर लेते हो तो उसके बाद रिचार्ज कर सकते हो। इस तरीके से आप जियो प्लस से किसी भी रिचार्ज कर सकते हो, चाहे वो स्मार्टफोन की जियो सिम हो या छोटे मोबाइल फ़ोन जो जियो को होता है उसकी सिम हो। तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से जो भी आपको ऑफ़र अच्छा लगता हो कर सकते हैं। आज का जो मैं वीडियो था इसी से रिलेटेड था, जिससे जुड़ा हुआ था। तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर मन में कोई सुझाव है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और आज के लिए बस इतना, धन्यवाद, जय हिंद।